नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला साक्षात्कार की भी है और आज आपसे मुखातिब होंगे इस श्रृंखला में डॉक्टर राजीव बंसल, जो बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि आज बहुत सारे सवाल हैं समाज में डॉक्टर चिकित्सकों को लेकर, लेकिन हमारे बंसल साहब ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिन पर कोई प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं लगा। पिछले करीब 15-20 साल से मैं नहीं जानता हूं इनकी इस विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आई, किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे इनकी कार्यशैली पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और विशेष बात यह है कि आपने समय दिया, उसका तो हम आभारी हैं। पहली बात यह कि आपने यही क्यों सेक्टर चुना कि बच्चों के लिए आप इसी में स्पेशलिटीज लाएं अपने जीवन में, बच्चों के लिए ही काम करें, ऐसा क्या थॉट रहा? शुरू में जब छोटे थे तो हम देखते थे कि बच्चे के डॉक्टर्स हमारे टाइम में जब हम छोटे थे सब बच्चों के डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे, बच्चों के डॉक्टर्स फैसिलिटीज बहुत कम मिल पाती थी, तो बच्चों को इतना टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता था। तो उस संवेदना को देख के, उस चीज को देख के कि मेरे मन में पीडियाट्रिक्स का, हमारे बच्चे के डॉक्टर का ख्याल आया। दूसरा, एक मुझे थोड़ा सा बच्चों से थोड़ा सा प्यार भी है, लगाव भी है, उनसे खेलने की इच्छा भी है, तो उस संदर्भ में ही मैंने इस सब्जेक्ट को। क्या ऐसी कोई पारिवारिक घटना भी है जिसने आपको फोर्स कर दिया? हाँ, ये आसपास। हाँ, नहीं पड़ा, पारिवारिक तो नहीं हुई थी, पड़ोस में एक घटना हो चुकी थी। अच्छा। क्योंकि एक छोटा बच्चा था, एकदम वो पानी में गिर गया, हम उसको हॉस्पिटल लेके भागे, वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिल पाए बच्चों के, ठीक, तो वो कुछ टाइम में उसने दम तोड़ दिया। तो एक ऐसी घटना नहीं, मुझे ये भी कहीं कहीं खराब रहती है कि हाँ बच्चों के डॉक्टर्स की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एक अपने बड़ा कंसेप्ट है अपने देश में पूरे में ही कुपोषण के, कुपोषण। हाँ, तो ये ऐसी समस्या है कि अभी ये समझ में नहीं आता है, ये प्रशासनिक स्तर पे, राज्य स्तर पे इस तरह की बातें तो होती हैं कि कोई बच्चा कुपोषित ना रहे और बड़ी नारेबाजी की होती है। बिल्कुल। लेकिन हम जानते हैं हमारा परिवार गरीब परिवार है और उनको किस तरह का भोजन वो परिजन अपने बच्चों को उपलब्ध करा पाते हैं, ये एक अलग हकीकत है। तो अब अपने उससे थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि हम उन स्थितियों में भी, चाहे हम उतनी ज्यादा पोटेंशियल खुराक ना ले पाते हों, फिर भी हम अपने बच्चों को इस कुपोषण से मुक्त कर सकते हैं, किन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए? इसके लिए तो फर्स्ट तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि अभी भी गांवों में या अभी सिटी में भी कुछ फैमिलियां हैं जो कि अवेयर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बच्चों के प्रति जो नॉर्मल डाइट है वही देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यदि जो भी, ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा डाइट देंगे वो महंगी आती हो या कुछ, उनको थोड़ा सा आप बताएं, है ना। हाँ, एक्स्ट्रा डाइट अपन हाँ दे सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि सूजी आती है, सूजी की अपन कुछ आइटम बना के दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं, हमने कहते हैं कि एप्पल या अनार ही खाओ, बनाना आते हैं, अमरूद आते हैं जी, पर अपन रूटीन डाइट में ये भी अपन फॉलो नहीं कर पाते, इस चीज को भी अपन ले नहीं पाते हैं, ना दे पाते हैं, ठीक है। तो इन चीज को सीजनल फ्रूट्स आते हैं, सस्ते आते हैं, कोई महंगी भी नहीं है, इनको यदि ले लें, बनाना का टाइम है जी, संतरे हैं, अमरूद है, बहुत चीप एंड बेस्ट फ्रूट्स हैं, इनको भी ले लिया है तो कोई एक है अंडा ले सकते हैं, गरीब बच्चे को सस्ता आता है, कोई 5 रुपए का अंडा आता है वो ले सकते हैं, वेजिटेरियन है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सूप वगैरह दे सकते हैं, टमाटर का है, इस तरह की जो चीप चीज है उनको अपन लेके अपन कुपोषण से बच सकते हैं। मिल्क है जी, दही है, छाछ है, ये चीज टाइम टू टाइम लेते हैं तो कुपोषण से काफी चीज से अपन हद तक बच सकते हैं। पर गांव में तो ये देखता हूँ मैं, 10 में से 4 या 5 बच्चे कुपोषण होते ही है, मिलते ही है, जबकि गाँव में दूध दही तो होता है पर वो ना तो दे पाते हैं, वो टोटली सेल कर देते हैं बच्चों में, देता है ये तो खैर बहुत अच्छी चीज है, पर गांव वाले इसको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी बात है। कारण तो ये है कि फसल तो गांव में स्प्राउट तो और भी सस्ता है, चना है, बिल्कुल वो
वो क्या आप खाओ स्प्राउट के रूप में तो बेस्ट बहुत अच्छा वो है, बहुत आसानी से आसानी से भी इसे कुपोषित भी नहीं होता और मोटापा भी नहीं पड़ता है बहुत। स्प्राउट के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, स्प्राउट तो आजकल सिटीज में बहुत यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा क्यों जो मोटापा मोटे लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बताइए ना कि कुपोषित बच्चे को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब क्या लक्षण नजर आने लगते हैं उसमें कैसे? दो तरह के कुपोषित बच्चे होते हैं, एक तो ओवरवेट वाले होते हैं एक लो वेट वाले होते हैं। अच्छा, ओवरवेट वाले क्वाश्चन कोर में आते हैं और लोअर वेट वाले मैरास्मस में आते हैं। लोअर वेट वाले होते हैं जनरली दूर से दिख जाते हैं, उनके जस्ट रिंकल्स होंगे चेहरे पे, बिल्कुल पतला दुबला होगा, व्हाइट थोड़े से ब्राउन हुए, बाल थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े से काली जाती है, बिल्कुल हड्डी चमकती है, इस तरह से बिल्कुल होता है, ये सिम्टम दिखने लगते हैं। हाँ, दूर से दिख जाते हैं दो बच्चे बिल्कुल, मतलब आप जब आपके सामने कोई बच्चा ऐसा आता है तो बीमारी तो अपनी जगह ये भी बीमारी है। तो अपने यहाँ अपने जिले में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और सभी तरह के लोग आपके पास आते हैं बच्चे लेके, क्या सोचते हैं अपन की बीमारी का इलाज अपनी जगह, वो तो देखिए डॉक्टर अपने हिसाब से करता ही है, लेकिन आप एक चिकित्सक नाम होकर जैसा मैंने जानता हूं आपके बारे में, आपके पास एक मानवीय दृष्टिकोण है, तो वो जो मानवीयता है वो अपने इस प्रोफेशन के साथ कैसे चला पाते हैं? कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें। ठीक है, कोई लगता है मेरे को बिल्कुल ही गरीब है या लग जाता है मुझे देखने से कि कईयों के पेरेंट्स होते हैं या पिताजी के होते हैं हाथ उसके सीमेंट में उसमें चूने में सने ही होते हैं जी, तो मैं पहचान जाता हूँ कि ये आदमी मजदूरी करके आ रहा है, मात्र 500 रुपए कमाए हैं दिन में, बिल्कुल सही, और यदि मैं 300-400-500 दवाई दे दूंगा तो खाएगा क्या ये, बिल्कुल सही। तो उस नाते मैं कई बार उनको फीस नहीं देता, कुछ सैंपल की दवाइयां होती हैं वो भी मैं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 100-150 रुपए में ही निपट जाए, मैं कोशिश नहीं करता कि इसको 300-400, क्योंकि आजकल मिनिमम किसी भी दफन बीमारी की दवाई है 350-400 तो मिनिमम बहुत आ रहा है ना, 150-100-150 फीस है, 200-250 की दवाई हो गई 300-350 मतलब 1000 रुपए से कम तो आदमी डाल के जेब में आपके आता ही है, मतलब डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकता हाँ। मजबूरी है, डॉक्टर्स भी अपनी दवाई तो पर देखिए कि पजामा पहना को उसमें 2 छेद हो रहे हैं उसके, तो फिर लगता है कि यदि पैसे ही होते बेचारे तो अपना पजामा चेंज करा रहा है, वो छेद ही नहीं होता, वो 200-250 रुपए का ही है पर वो उसको भी नहीं चेंज करा पा रहा, तो उस चीजें को देखते मेरे एकदम अंदर पहुंचता है कि इसको क्यों चीज ऐसी लिखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी फीस भी ना लूं और प्लस कुछ कोशिश मेरी रहती है मैं अपने पास से भी उसको दवाई दे देता हूँ। ऑन एवरेज ऐसे कितने पेशेंट आते हैं? मैं हाँ एवरेज मैं 10% तो कर लेता हूँ और आगामी मेरे मैं कुछ और भी करने वाला हूँ, मैं मेरे अपने बेटे के बर्थडे के दिन कुछ और ऐसे मैं अनाउंस करूंगा उस चीज को कि जिससे गरीबों को और मिला हो, उस चीज के लिए बहुत जरूरत है बिल्कुल, क्योंकि चिकित्सक अब क्यों कारण ये कि देखिए प्रोफेशन तो सभी बदनाम होते हैं, इसलिए हम किसी एक पर उंगली नहीं रखेंगे बिल्कुल, लेकिन हर प्रोफेशन से ये उम्मीद तो की जा रही है कि यार इंसान तो रहो, सही है सही बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी, इंसानियत भी बहुत जरूरी है हमारे डॉक्टर पेशे में इंसानियत, क्योंकि एक बात कही जाती है डॉक्टर साहब के आधा इलाज तो डॉक्टर का बिहेवियर करता है, बिल्कुल नो डाउट, आपने अच्छा बोल लिया या उसको अच्छे नाम से बुला लिया उसको रेस्पेक्ट कर दिया तो वैसी आदत तो वैसी ठीक हो जाती है, नो डाउट बिल्कुल। और आप क्या संभावनाएं देखते हैं अभी कोरोना से निपट के पूरा देश अपना जिला अपना शहर निपट के आया है, तो वो क्या कोरोना के बाद जो आदमी ठीक हो गया, ठीक है डॉक्टर एक बार सर्टिफाइड हो गया कि भाई आप तुम्हें कोरोना नहीं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स उसको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? मोस्टली अभी भी जी मोस्टली अभी भी क्या है कि कोरोना के बाद साइड इफेक्ट्स अभी भी बहुत आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं, मतलब आदमी कैसे पहचाने कि यार ये फर्स्ट तो ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का क्या है, ब्लैक फंगस ये होता है कि अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, अच्छा तो उस इम्यूनिटी की वीक की वजह से वो इम्यूनिटी वीक कैसे भी उस समय अपन बीमार रहे तो उस समय खाना पीना स्टेरॉइड का यूज हो जाना उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होते ही ह्यूमिडिटी में ये फंगस जैसे अपन कहते हैं ना अचार में फंगस लग जाती है तो अपन उसमें पानी या ह्यूमिडिटी चली जाती है तो फंगस लग जाती है, तो वही फंगस इस तरह से, अच्छा तो फंगस
अपने एंटर करती है थ्रॉट से कैसे भी, तो आईज में ब्रेन में कहीं भी पहुंच सकती है। क्या चीज दिखती है मतलब सेट पे हमें विजुलाइज क्या होता है? विजुलाइज नहीं होता, विजुलाइज तो अपने को ये इसलिए तो ये ज्यादा पे वो खतरनाक है क्योंकि वो अपने शुरू में इनिशियली जब डायग्नोस नहीं कर पाते अपने कभी हेडेक या चीक पेन या ईयर एक होने लगता है या नेजल डिस्चार्ज कुछ ऐसे लगने लगते हैं। तो जब वहां डॉक्टर के पास जाते हैं जब चेक करता है जब वो सस्पेक्ट करता है और जांच कराता है तो ये होता है, और जब तक वो काफी हद तक फैल चुका होता है जब तक हम डायग्नोसिस बढ़ चुकी होती है बहुत बढ़ चुकी होती है तो आईजी निकाली है और इतना आसान नहीं है क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि इस बार की इस म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस को उन्होंने फ्री इलाज किया है महामारी के देखते हुए, क्योंकि इंजेक्शन इतने महंगे हैं। मैं तो थैंक यू सो मच अपने मुख्यमंत्री महोदय जी का कि उन्होंने इसको फ्री किया है, नहीं तो पेशेंट इलाज ही नहीं करा सकते क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट अभी भी आते हैं क्योंकि इसके 10-10 लाख 15-15 लाख का खर्चा है इस महीने का, इसकी जो इंजेक्शन है वो बहुत महंगा आता है और वो इंजेक्शन बहुत लगते हैं। अभी मेरे पास 3-4 पेशेंट आए वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि हम करा पा रहे हैं, यदि हमारा यदि फ्री नहीं होता तो हम तो कह देते हमें मरने दो हमें कोई इलाज की जरूरत नहीं है, इतना महंगा इलाज है इसका। फर्स्ट तो ये थी म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस, दूसरा इसमें क्या रहता है कि अपन इम्यूनिटी पे ध्यान ना दें, यदि जो कुछ एक्सरसाइज करना या लंग्स के से संबंधित जो अपने को मजबूती चाहिए उससे संबंधित अपन ध्यान ना दें तो लंग्स कमजोर रह सकते हैं, तो उस चीज में अपने को खाने पीने पर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा आपको एसी कूलर इनसे थोड़ा दूर रखने की जरूरत है क्योंकि आपके लंग्स थोड़े तो लंग्स के लिए क्या अपने डाइट में क्या चीजें ले सकते हैं? डाइट में है फ्रूट्स है अपने नारियल पानी है ना, डाइट में जैसे खिचड़ी दलिया है टाइम टाइम पे अपने फ्रूट्स लेते रहे जूस लेते रहे तो इससे अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी तो अपनी ये भी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ अपन लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइज या अपन योगा ये कर सकते हैं तो उससे स्ट्रांग बनेगा। बहुत अजीब सा सवाल है मुझे पूछ, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ लू ना पूछ, लेकिन फिर भी आपका व्यवहार देख के हिम्मत हो रही है कि पूछ लू। एक बड़ा प्रश्न ये है आम आदमी है कि एक तरफ हमारे सामने आती है कि ये दवाइयां जेनेरिक बिल्कुल और बहुत सस्ती है, और एक बार इस तरह की समाचार या जानकारियां मिलती है कि ये दवाइयां जो इस जेनरिक की हैं फला फला कंपनी इसको जाने कितने गुना बढ़ा के चार्ज करती है बिल्कुल जबकि सॉल्ट वही है, तो थोड़ा सा भी अगर अवेयर आदमी है तो इस कंफ्यूजन में जरूर आता है क्योंकि सिंपल आदमी को जो डॉक्टर साहब ने लिख दिया वो जाके लेगा चाहे किसी कीमत पे आए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा अवेयर पर्सन जो है उसके सामने कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये एक टैबलेट जो है 35 रुपए की है और ये पूरा पत्ता ही 35 रुपए में आ रहा है 10 टैबलेट का, तो ये क्या कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन तो नहीं कह सकते जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उसमें जेनरिक टैबलेट असर नहीं करती उसका क्या कारण? जेनरिक दवाइयां जो होती हैं उनमें क्या माइक्रोनाइज साल्ट नहीं हो पाता है, यानी कि एक साल्ट होता है जो कंपनी अच्छी लीडिंग कंपनी होती है वो इसको इतना प्यूरिफाई तो माइक्रोनाइज कर देती है और वो इफेक्ट तेजी से बहुत 10 टाइम 20 टाइम होना भी हो जाता है। इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी हम टैबलेट लें एक एवरेज कंपनी के लिए एक लोअर स्टैंडर्ड कंपनी के लिए ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड कंपनी की जो टैबलेट है वो नो डाउट बहुत अच्छा असर करती है ठीक है। अब पब्लिक ये कहती है कि मेरे को एक अच्छी कंपनी की दवाई लिखी है बिल्कुल कहती है तो अच्छी कंपनी की लिखो, नो डाउट सब जानते हैं कि अच्छी कंपनी की दवाई बहुत अच्छा असर करती है। जैसे एक टाइम में था कि एक ऑगमेंटिंग टैबलेट हुआ करती थी लीडिंग कंपनी की थी तो इतना इफेक्ट करती थी, उसी कंपनी की दूसरी कंपनी की दवाइयां अपन करते थे उसके सामने वो इफेक्ट इतना नहीं आता था जो ऑगमेंटिंग टैबलेट का आया करता था। उसी तरह इंजेक्टेबल्स हैं, एक अच्छी कंपनी का हम इंजेक्टेबल यूज करते हैं तो वो अच्छे असर करता है और जल्दी बीमारी दूर होती है उससे। अपन जेनरिक दवाइयां लेकिन जो जनरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हाँ उनके लिए अपन अगर वो जेनरिक पर जाते हैं हाँ तो हो सकता है जेनरिक में हाँ नहीं, तो कुछ में अब हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारियां उनमें तो अपन वीकेंड पूरे जेनरिक टैबलेट्स जेनरिक मेडिसिन के साथ जा सकते हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस प्रोफेशन के लिए या अपने शहर वासियों के लिए? वो भी है हाँ स्वागत ही होगा बिल्कुल। पहले तो ये है कि हमारा टॉप
बहुत अच्छा शांति प्रिय। मैं पहले आया था जब सोचता था कि काफी वैसा होगा, पर मैं हाँ 12-13-15 साल से देख रहा हूँ कि जी 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 बल्कि और डिस्ट्रिक्टों से भी मुझे शांति प्रिय लगा है। ज्यादा शांति शांति प्रिय ऐसा कुछ नहीं है, हारमोनी जम के है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सब में है, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने तो आज तक अभी 12-13 साल हो गए, मैंने आज तक कोई कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं नहीं है देखा, कोई देखा ही नहीं। तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा बिहेव है सबका, अच्छा हमको कॉपरेट करते हैं। वो लोग कॉपरेट करते हैं तभी हमारी हिम्मत होती है, इतना हम उनके लिए करते हैं। नहीं देखिए, यहाँ तो मैं तो यहाँ आपसे थोड़ा सा डिफर होगा कि लोग कॉपरेट करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो तो आपके व्यवहार से करते हैं। जब भी हमें हिम्मत उनसे मिलती है वो हमको मोटिवेट करते हैं, तो हमें भी मतलब वो अपना विश्वास देते हैं, उससे पहले आप उनमें विश्वास पैदा ये तो करना ही पड़ेगा। देखो कोई भी हो, तब वो क्योंकि हम ये जानते हैं कि पेशेंट आता है वो परेशानी में आता है सबसे पहले। यदि हम उसे अच्छी तरह नहीं बोलेंगे और अच्छी तरह उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वैसे और ज्यादा बीमार हो जाएगा, तो उसको परेशानी बढ़ेगी, उसको घटेगी नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि आपका जो प्रोफेशन है उसकी एथिकल वैल्यू यही है कि पहले ह्यूमन पहले ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ अपने प्रोफेशन तक। वैसे हमारे काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, पर कुछ डॉक्टर्स हैं जो नहीं होता, 99% हमारे काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, नहीं काफी कुछ अच्छा अच्छे डॉक्टर्स हैं और काफी एक हाथ को छोड़ दे रहे हैं। हाँ डेवलप भी हो रहे हैं और अपने डे बाई डे अपने डॉक्टर्स के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, अपने अपनी फैसिलिटीज बढ़ रही है मेडिकल की। अपने हॉस्पिटल्स में अपन क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? अभी तो मैं जैसे पीडियाट्रिक्स का तो मैं ही हूँ, पर हाँ मैं एज ए ऑलराउंडर एक तरह से सारे एज ए फिजिशियन भी काम कर लेता हूँ जी। वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, सर्जरी हम करा लेते हैं जनरल सर्जरी है ना। मतलब आपके उसमें संरक्षण में हाँ। मेरा मूल जो बात थी कि अपन अपने किस कैंपस के माध्यम से किस किस तरह की सेवाएं उपलब्ध करा देते हैं या विश्वसनीय रूप से ये होती हैं। करीब करीब 90% सारी बीमारियों का इलाज हम कर देते हैं। अच्छा कोई भी हो कैसे भी हो हम इनिशियल लेवल पे उसको ट्रीट तो कर ही देते हैं। ठीक है यही हो, अनलेस एंटली कोई बड़ी बीमारी में हो उसके लिए तो फिर रेफर करते हैं बाहर से, रेफर करते हैं करना पड़ता है। बाकी तो या किसी को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, प्लेटलेट की जरूरत है, तो उसके लिए तो फिर जयपुर ही हो पाता है, वो यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, नहीं पाता। कोशिश हमारी रहती है कि बेस्ट से बेस्ट और सबको सारे हर पेशेंट को इलाज मिल जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू सर आपका समय लिया। नहीं और हम चाहेंगे कि ऐसे समय समय पर ऐसे ही आपके आपसे बातचीत करते रहें। और मकसद यह है कि डॉक्टर्स को लेकर जो कन्फ्यूजन्स होते हैं कि नहीं वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ये दूर हो जाना चाहिए। पेशेंट में एक आस्था एक विश्वास जगना चाहिए और जो इस काबिल हैं डॉक्टर की जो उनके व्यवहार से ये बात सामने आ रही है तो ये बात जानी मुझे लगता है कि वो जाननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इस बार प्रशासन ने हमको इस बार सम्मानित किया। हाँ तो बताया नहीं आपने, तो 26 जनवरी को मैं सम्मानित हुआ था प्रशासन के जिला प्रशासन में, और इस बार 15 जनवरी को मेरे वाइफ को सम्मानित हुआ। अरे तो एक बहुत अच्छा लगता है कि प्रशासन इस तरह हमें ध्यान प्रशासन भी देख रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि और आगे और मोटिवेट करने की इच्छा होती है और करने की। प्रशासन ने सम्मानित किया इसलिए मैं अपने बेटे के बर्थडे पे कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि विकलांग बच्चे विकलांग हो या ब्लड कैंसर से हो तो उनका मैं फ्री कंसल्टेंसी मिल जाए या कुछ कंसेशन और दवाएं मिल जाए, ये कोशिश मैं करूंगा अपने बेटे के बर्थडे पे। बहुत हैट्स ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है।